गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, थल सेना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 72वां थल सेना दिवस मना रहा है। आइए जानते हैं भारतीय थल सेना से जुड़ी कुछ रोचक और अनकही जानकारियां। जेंटलमैन, यूं तो भारतीय थल सेना का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में एक मिलिट्री डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। हालांकि इस डिपार्टमेंट का कार्य बहुत ही सीमित रखा गया था, जिसमें उन दस्तावेजों को सुरक्षित लाना, ले जाना व रखना होता था जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों को भेजती थी। वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को चार भागों में पुनर्गठित किया गया, जिसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट भी एक भाग था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास हुकूमत की सेनाओं ने 1 अप्रैल 1895 तक अपनी अपनी हुकूमत की थल सेना के तौर पर कार्य किया, लेकिन इसके बाद इन सभी को एकीकृत करते हुए भारतीय थल सेना में रूपांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक सहूलियत के लिए उस वक्त थल सेना को चार कमांड में विभाजित किया गया। पंजाब कमांड, जिसमें उत्तर पश्चिम फ्रंटियर भी शामिल था, बंगाल कमांड, मद्रास कमांड जिसमें बर्मा भी शामिल था, और बॉम्बे कमांड जिसमें सिंध, क्वेटा और अदन शामिल था। धीरे धीरे ब्रिटिश भारतीय थल सेना विश्व पटल पर ब्रिटिश शासन की मजबूत पहचान बन गई थी। समय बदलता गया और भारतीय थल सेना के विभिन्न युद्धों में भागीदारी भी बढ़ती गई। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय थल सेना के 1,30,000 सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ाई में भाग लिया। ब्रिटिश शासन ने इस सहयोग के बदले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वशासन देने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में मना कर दिया गया, जिसके चलते 1915 में भारतीय थल सैनिकों ने सिंगापुर में विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश भारतीय थल सेना का भारतीयकरण मार्च 1912 में स्थापित किए गए प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के निर्माण करते ही शुरू हो गया था। इसकी स्थापना का कारण बिल्कुल स्पष्ट था। भारत के संभ्रांत परिवार उच्च पद पर आसीन भारतीय अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा देकर रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट के लिए तैयार करना। उस वक्त भारतीयों को थल सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा था। तय किया गया कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट से भारतीयों को किंग्स कमीशन प्रदान की जाएगी और भारतीयकरण के लिए चुनी गई 8 यूनिट्स में से किसी एक यूनिट में पोस्टेड किया जाएगा। अफसोस की बात थी कि भारतीयकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही और 1918 से 1932 तक मात्र 69 भारतीयों को ही अधिकारी बनाया गया। ब्रिटिश सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा और देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की शुरुआत की गई। अगस्त 1947 के अंत तक 37,458 इंडियन स्टेट फोर्सेस के सैनिक व 9,178 नेपालीज कंटिंजेंट सैनिकों को उनके राज्यों व नेपाल को वापस किया गया था। 15 अगस्त 1947 से पहले वाली भारतीय थल सेना को 3 कमांड में विभाजित कर दिया गया, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड। स्वतंत्रता और पाकिस्तान के विभाजन का भारतीय थल सेना पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा इससे उभरने में काफी वक्त लगा। देश का भारत और पाकिस्तान दो नए देशों में विभाजित होने का अर्थ था भारतीय थल सेना का भी विभाजित होना। नॉर्दर्न कमांड पाकिस्तान को दे दी गई और सदर्न तथा ईस्टर्न कमांड भारत को मिल गई। 15 अगस्त 1947 को सर रॉब लॉकहार्ट स्वतंत्र भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। हालांकि कमांडर इन चीफ रैंक की स्थापना जनवरी 1748 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी सेनाओं के कमांडर के रूप में तय की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर बन गए, जो कि भारत के वायसराय के क्लोज कांटेक्ट में रहते थे। 1 अप्रैल 1955 को कमांडर इन चीफ का रैंक समाप्त कर दिया गया व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सर्वोच्च रैंक के तौर पर शामिल किया गया।
जनवरी 1948 को सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर भारत के दूसरे व अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। सर रॉय बुचर का एक वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 1949 को समाप्त हो गया व तत्कालीन सरकार ने किसी भारतीय अधिकारी को कमांडर इन चीफ बनाने का फैसला किया। उस वक्त भारतीय सेना में सीनियर मोस्ट 3 भारतीय ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा, लेफ्टिनेंट जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा और लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नाथू सिंह थे। हालांकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी भारतीय ऑफिसर के कम अनुभव के चलते किसी ब्रिटिश ऑफिसर को कमांडर इन चीफ बनाने का सुझाव दिया और बैठक में शामिल लगभग सभी अधिकारियों व सदस्यों को इस बात पर राजी कर लिया। इसी बीच अपने खरे और बेबाक स्वभाव के लिए चर्चित रहे लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नाथू सिंह ने इसका विरोध किया और लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाने का प्रस्ताव रखा। 29 दिसंबर 1898 को कर्नाटक के मडिकेरी में जन्म लेने वाले व 1 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कोडेंडेरा मडप्पा करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को सर लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से भारतीय थल सेना की कमान प्राप्त की और 15 जनवरी भारतीय थल सेना के रूप में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया, जिसे हम हर वर्ष पूरे हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, डाउट रिमूवल काउंटर्स, मंथली यूनिट टेस्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, स्पेशल GDSRT बैचेस, स्पोकन इंग्लिश एट स्विस स्कूल, MKC पब्लिकेशन, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूर्ण व्यवस्थित GTO ग्राउंड और स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा। मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर में आर्मी ऑफिसर्स द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, सौरभ सर का मोटिवेशन और गाइडेंस। रक्षा क्षेत्र में निश्चित सफलता के लिए मेजर कलशी क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन। किसी जानकारी के लिए विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033।